गार्बेज कैन क्या है, किस तरीके से काम कर रही है? हमारी कंपनी का नाम गार्बेज कैंस और जो टैगलाइन है वो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है। तो हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होता है कि मैनेज करके जो और माहौलियाती तौर पे भी जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो कहते हैं प्रोसेस हों उनको हम लोग फॉलो करें। पाकिस्तान में ऑन एवरेज पर बंदा पर दिन आधा किलो कचरा प्रोड्यूस करता है और जो शहरी जो कहते हैं जगहें होती हैं जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उसमें तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक चला जाता है पर बंदा पर दिन। और जो गांव या देहात वाली जो कहते हैं एरियाज़ हैं वहां पे तकरीबन और से ज़्यादा कम सवा के आधा किलो या उससे ज़्यादा कम में जो कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। जो गली गली कूचों में जो कचरा लेफ्ट ओवर होने के कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि जी एफिशिएंसी का मसला है, गोश्त हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक ये मसला है कि जो है कहते हैं स्वीपर्स वगैरह हायर्ड तो किए हुए हैं हुकूमत सिंध ने या KMC ने मगर वो काम पे नहीं आ रहे, क्योंकि अब तो अब हमारा एक इदारा भी बन गया है ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, लेकिन ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर नहीं करती, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस दरकार हैं। हमने 2017 में काम इसी उसमें शुरू किया कि हर कोई बात तो कर रहा है कि जो काम कोई नजर नहीं आ रहा। स्टार्टिंग कहाँ से किया? स्टार्टिंग हमने जो है जैनिटर्स को फॉलो करते हुए की, हमने जो है जो हमारे अफगान स्कैवेंजर्स हैं उनको भी फॉलो करते हुए की, जहाँ जहाँ लैंडफिल्स हैं जाम छाकर हो गया इब्राहिम हैदरी हो गया बाकी जगह उधर तक हम लोग गए, पूरा सिस्टम इनका देखा समझा, फिर जो कचरा कुंडियाँ हैं उनका सिस्टम भी समझा, फिर जो रिसाइकलिंग जो कबाड़ वाले जो लोग हैं उनका सिस्टम भी समझा, कौन कौन से वेस्ट स्ट्रीम्स हैं, प्लास्टिक के अंदर भी कई अलग अलग किस्म के प्लास्टिक हैं, पेट प्लास्टिक अलग है उसको गैस बोतल कहा जाता है, HDPE प्लास्टिक अलग है उसको गुड्डी रबर भी कहा जाता है क्योंकि उससे गुड्डी गुड्डियाँ बनती हैं, आपका PP अलग है एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर इसी तरह से मेटल भी अलग अलग आते हैं, उसमें एल्यूमिनियम अलग आता है, कॉपर अलग है, आयरन अलग है, टिन अलग है, फिर पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर भी कार्डबोर्ड अलग है, पैकेट अलग है, रद्दी कागज़ अलग है, उर्दू अंग्रेजी अखबार अलग। सही तरीके से अगर काम हो रहा होता ये जो एफिशिएंसी बढ़ सकती है। लोग अपनी मदद आपके तहत तो कर रहे हैं लेकिन इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है? नहीं, गवर्नमेंट की हमें तो कोई सपोर्ट नहीं है। जब इदारा मौजूद है उसके बावजूद चैलेंजेस कैसे दरकार है? देखिए इसमें चाइल्ड लेबर भी नजर आती है, जो बच्चे जो स्कैवेंजर लेके जा रहे होते हैं, इसमें जो है एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, इसमें वुमेन्स रोल भी है, इसमें फिर माफिया भी इंक्लूड हो जाती है, उसमें इनफॉर्मल इंडस्ट्री भी इंक्लूड हो जाती है। माफिया थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। माफिया जो मैंने आपको बताया कि जो कचरा कुंडी को स्टोरेज स्पेस बना के रखे होते हैं उन्होंने, उसको अगर आप कचरे कुंडी को भी जाके क्लियर करने की कोशिश करेंगे ना, पीछे से कोई ना कोई इनफॉर्मल इंडस्ट्री से जो कहते हैं आ जाएगा कि आपने यहाँ पे कचरा, ये कब्जा करने के लिए कचरा डाल दिया जाता है। मैं खुद एक इदारे में जो कहते हैं हम लोग काम कर रहे थे उनके साथ हमारा पूरा MOU था, जब हमने उनका जो कहते हैं काम बंद किया 6 लोगों ने पकड़ के मुझे आधे घंटे तक मारा। क्यों? किसी की जो जेब में पैसे जा रहे थे या उनके पैसे खुद बंद हो रहे थे तो उन्होंने आके जो कहते हैं हमें मारना शुरू कर दिया। सही, कचरे से कमाया जा सकता है? एब्सोल्युटली, दुनिया कितना कमाया जा सकता? देखें इंडिविजुअली का तो मैं नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर जैसे मैंने कहा अमेरिका में बात हुई, जो कचरा चुनने वाले अफगानी होते हैं तो ये कहते हैं हम आराम से 800 से लेके 1500 रुपए डेली कमाते हैं। हाँ बिल्कुल कमाते होंगे, मगर उनका फिर जो दूसरा ये मसला है कि खर्चा भी कम है, चाइल्ड लेबर मैं अभी अगर अमीर होना चाहूँ तो मैं 100 बच्चे लगा दूँ जो कहते हैं उनको 100-100, 200-200 रुपये दे दूँ और जो कहते हैं कितना उनसे कमाता रहूँ। प्रॉपर तरीके से लार्ज स्केल काम किया जाए तो जैसे अमेरिका में $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, चाइना की बैकबोन वॉज रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, यहाँ तक के 2019 में जब अमेरिका जो है चाइना को ज़रा सा चाइना के ऊपर ज़रा सा दबाव डाला था, चाइना ने कह दिया था हम आपका कचरा नहीं लेते, तो अमेरिका हैड टू गो ऑन द बैक फुट।